पूरी स्टोरी मैं आराम से बैठ के सुनाता हूँ, बट अभी गाड़ी का हाल देख लो। तो पिछले 3 घंटे हैव बिन काइंड ऑफ हरिकेन फॉर मी। मैंने हरिकेन स्पेसिफिकली यूज़ किया क्योंकि ये सारी गलती वो साइक्लोन की है, वो टॉकटे या जो भी ताउकते, TAUKTE, वही वॉट एवर जो भी साइक्लोन का नाम है कमबख्त। तो आराम से मैं घर पे सो रहा था, व्हेन आई केम बैक एट नाइट गाड़ी एकदम ठीक थी, पार्किंग में थी, मैं सो रहा था, सडनली मुझे कॉल आया नीचे बिल्डिंग के इंटरकॉम से वॉचमैन का कि गाड़ी भीग रही है। तो मैंने बोला गाड़ी भीग रही है, नीचे पार्किंग में है, गाड़ी भीग रही है, तो इसे नहीं अंदर पानी जा रहा है। तो मैंने बोला यार शायद थोड़ी खिड़की खुली रह गई होगी, पता नहीं क्या हो गया। तो मैंने बोला ठीक है मैं नीचे बस आ रहा हूँ। फिर से उस जब तक मैं चेंज करने गया फिर से उसका कॉल आया। मैं बोला यार बहुत बारिश हो रही है तो मैं चाबी देता हूँ। तो मैंने ड्राइवर के हाथ में चाबी दे दी और बोला गाड़ी देख लो शीशा खुला है या क्या हुआ है और गाड़ी हटा दो, मैं बस उतने में नीचे आ रहा हूँ। फिर मैं सोचने की कोशिश कर रहा था कि गाड़ी तो 100% मैंने एक दिन में हटाई भी नहीं है तो यूज़ भी नहीं किया, कांच कैसे खुला रह सकता है। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं बस नीचे गया देखने के हुआ क्या है। एंड व्हेन आई गो डाउन आई सी ओके गाइस, तो वॉचमैन भागा आया, मुझे बोला कि मेरी गाड़ी से आवाज़ आ रही है। अपेरेंटली तूफान और बारिश से मेरी गाड़ी का होड, मेरी रेड कन्वर्टेबल गाड़ी का होड ऑटोमेटिकली खुल गया, सिस्टम फॉल्ट कुछ आया। तो वॉचमैन भागा भागा आया कि गाड़ी भीग रही है अंदर, होड खुल गया है। तो मैं नीचे आया, जैसे ही मैंने चाबी अंदर डाली हुड बंद करने के लिए गाड़ी ऑटोमेटिकली आगे जाके क्रैश हो गई। एंड ये हाल है अभी उसका। तो अभी फिगर आउट करना पड़ेगा क्या करना है। पहले तो इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करना है, शोरूम को कॉल करना है। या बहुत बहुत बिजी दिन होने वाला है। थैंक यू साइक्लोन। एंड व्हेन आई गो डाउन आई सी द ड्राइवर्स इन द कार, वो जो कन्वर्टेबल गाड़ी का रूफ है बंद करने की कोशिश कर रहा था और बंद नहीं हो रहा था। तो बोल रहा यार बंद कर, बिकॉज बारिश हो रही थी, गाड़ी पूरी भीग रही थी, अंदर मैंने झाँक के देखा पानी ऑलरेडी भरा हुआ था गाड़ी के अंदर। तो उसने बोला कि बंद नहीं हो रहा है। मैंने खुद फिर गाड़ी में बैठ के कोशिश की बंद करने की, बट उसका रूफ बंद ही नहीं हुआ। एंड देन फिर बोला ठीक है अगर बंद नहीं हो रहा है बाद में फिगर आउट करते हैं, एटलीस्ट बारिश से हटा देते हैं। तो गाड़ी की, तो ड्राइवर ने गाड़ी के इग्निशन में चाबी डाली टू टर्न इट ऑन एंड मूव द कार। जैसे ही उसने इग्निशन की चाबी घुमाई कंप्यूटर स्क्रीन पे आया सिस्टम फॉल्ट और गाड़ी फुल स्पीड में एक्सेलरेट होके जाके पिलर को, जो बाजू पिलर था वहां जाके हिट होके क्रैश हो गए। तो लिटरली मैं गाड़ी के बाहर राइट नेक्स्ट टू द गाड़ी खड़ा था, ड्राइवर गाड़ी के अंदर था। ही लिटरली जस्ट टर्न द की टू पुट द इग्निशन ऑन एंड आया सिस्टम फॉल्ट मशीन पे एंड एकदम फुल स्पीड पे जाके क्रैश हो गई। लकीली और कोई गाड़ी को नहीं लगा, किसी को नहीं लगा, द ड्राइवर वॉज सेफ, मेरे को कोई इंजीनियर आसपास किसी को नहीं लगा, एक बिल्डिंग के पार्किंग में ही हुआ है, नथिंग हैपेंड। बट अपेरेंटली नाउ हियर्स व्हाट हैपेंड, सिस्टम के अंदर थोड़ा पानी चले गया था एंड बिकॉज ऑफ दैट सिस्टम मैल फंक्शन हो गया। मैं बस अभी CCTV फुटेज रिकवर कर रहा हूँ, बट गाड़ी का हुड ऑटोमेटिकली खुल गया, तभी कोई नहीं था, गाड़ी की चाबी भी पास में नहीं थी, इट वॉज फार अवे। एंड स्पॉयलर भी, गाड़ी का जो स्पॉयलर है अगर आप देखोगे फोटोज में, स्पॉयलर भी ऊपर है और हुड भी खुला हुआ है, गाड़ी ऐसी पड़ी थी, ऑटोमेटिकली हो गया एंड पूरा सिस्टम उसका मैल फंक्शन हो गया बिकॉज उसके अंदर पानी भर गया था। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। अभी इंश्योरेंस क्लेम के लिए दे रहे, अभी टोइंग वैन आने वाले, वही बस फोन कॉल्स कर रहा था। आई थिंक एज ऑफ राइट नाउ कार इज इन टोटल लॉस, आई डोंट थिंक रिकवर हो सकता है, बट आगे क्या होगा मैं आपको अपडेट देते रहूंगा। अभी तो पहले गाड़ी को ले जाएंगे शोरूम में टू असेस क्या डैमेज है एंड देन इंश्योरेंस क्लेम करेंगे। लगता है बहुत लंबी कहानी होने वाली है। आई डोंट नो अगर आप लोगों को सुनाई दे रहा है बिकॉज विंड इतनी जोर से ब्लो हो रही है, बट फाइनली 6 घंटे बाद टोइंग ट्रक आ चुकी है, गाड़ी ले जा रही है, आके देखो क्या हाल है। पिछले 6 घंटे से खुली पड़ी है गाड़ी, अंदर से ठीक है, पूरी अंदर भीग गई है, पानी भी अंदर भरा हुआ है, बट वो तो ठीक है। ये है साइक्लोन डॉक्टर का एक और विक्टिम। आई डोंट नो और अभी क्या क्या होने वाला है, कितना बुरा आने वाला है, बट जिधर भी हो आप प्लीज स्टे सेफ, स्टे इनडोर्स। मेरी गाड़ी को तो नहीं बचा पाया, बट एवरीवन एल्स प्लीज टेक केयर।